हेलो हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग सभी होंगे। मैं यहाँ अपने मायके से आज का वीडियो बना रही हूँ। मैं आजकल अपने मायके आई हुई हूँ और बाकी मैंने पहले की वीडियो में बता ही रखा है। और आज सुबह, आजकल हम लोग रोज़ सुबह तिलांजलि देने जाते हैं। भाभी, मैं और मेरी दीदी, हम तीनों जाने। और इस समय थोड़ा बहुत काम हो गया है, थोड़ा हुनर बाकी है, आके कपड़े धो लिए हैं। और इस समय मैं छत में आई हूँ थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए। ब्लॉगिंग करना मेरा एक शुरू सा बन गया है, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। क्योंकि इस समय ना तो मैं जॉब कर रही हूँ और ना कोई ऐसा कुछ काम है, तो जितना भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग बना के ज़रूर डालती हूँ। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है मित्रों, धूप आई हुई है, धूप खिली हुई है। और इस समय मैं छत में आई हूँ और यहाँ पर मेरी भैया भाभी लोग, जैसे हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार, सभी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर और नियम धर्मों का पालन कर रहे हैं और हम लोग भी साथ में हैं। तो बड़े भैया ने कोड़ा किया हुआ है और छोटा भाई भी आने वाला है कल। कल छोटे दादा आएंगे और आगे दोनों, हमारी पहली पीढ़ी में तो अच्छा ही था, दोनों देरानी और जेठानी में प्रेम था। वही प्रेम मेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी में देखने को मिलता है। कोई भी काम हो दोनों मिलकर बहुत प्रेम से करते हैं। कल मैं उन लोगों को भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आसमान का कलर एकदम ब्लू है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन तो है नहीं ज़्यादा। तो उससे गाने की याद आ रही है, ये खुला शहरों में कौवे तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, यहाँ कौवे दिखाई पड़ रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र सही चल रहा है। पहाड़ का मौसम अच्छा है, जो हमारे अच्छा है, तो उसकी वजह से लोगों में भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम टू सेम ही रहते हैं। ये देखो पहाड़ का कौवा भागता भी नहीं है। छत में काफी अच्छी धूप आ रही है, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। देखो तारा का सफाई कार्यक्रम चल रहा है। तारा एक गाना सुना दो। कोई पहाड़ गीत गा। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर के इस तरफ। ये भाभी ने इतने एरिया में पूरे अपन डाल रखे हैं। ये है हमारा पुराना ड्राइंग रूम, ओल्ड ड्राइंग रूम। शादी से पहले मेरा कमरा था ये। और यहाँ पर ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, कृष्ण भगवान। और ये काफी शौक था मुझे पेंटिंग का शादी से पहले। पड़ोस पड़ोस में काफी चल पाए। हमारे घर में हंसती खेलती मुस्कुराती हमारी तारा बहन है। जो सबको खुश रखती है। यहाँ पर तारा ने गाना सुना दिया है। यहाँ ऊपर हनुमान मंदिर है। तो अभी समय हमारा ड्राइंग रूम इस तरफ है और यहाँ पर भाभी कमरे को ठीक कर रही है। आजकल नितिन रहता है यहाँ, दादा का बेटा। अच्छा, आज उदिता रहा है ना। फिर से मैं वीडियो बनाती हूँ यहाँ पे।
प्रीमती कहाँ गई? प्रीमती छत में, ये प्रीमती ननद का फोन है, उनसे बात कर रही हूँ। बड़ी वाली दीदी का, उनके बड़ी वाली ननद का फोन आया है प्रीमती। तो ये मूर्ति हमने जयपुर से ली थी जब मैं छोटी थी, तो मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गई थी द्वारिकाधीश मंदिर, वहाँ पे मैंने जिद करी खरीदवाई है। पिताजी ने अच्छे थे, जो कहो खरीद दे।